हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे फर्स्ट टाइम जिन्होंने विजिट किया है, उनसे निवेदन है कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड पे लगे बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि एनओएस बोर्ड के रिगार्डिंग आने वाली नई से नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखने के बाद यदि आपका कोई डाउट है वो क्लियर हो सके और आप अपने कैरियर में आगे बढ़ सकें, यही हमारी कामना है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट का रिजल्ट SBC, SBCT, SBCP, AB और SF, UFM या RL है, तो वो स्टूडेंट अब क्या करें? तो उन्होंने अब ऑन डिमांड में अप्लाई करें या फिर पब्लिक एग्जाम में अप्लाई करें, दोनों में से उनके लिए कौन सा बेस्ट है? और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि जो SYC है, SYCT है या SYCP या एबसेंट है, वो स्टूडेंट के पास होने का क्या गुरुमंत्र है और कैसे आपने तैयारी करनी है और आप पास हो जाएं, और NOS बोर्ड में पास होने का आसान और सही तरीका क्या है, कि आपका जो रिजल्ट है वहां पे जो क्रॉस 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 लगा हुआ है वहां पे पास लिखा हुआ आ जाए। तो आपने फॉलो करना है 80-20 रूल, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बिना लेट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट्स इस डाउट के दायरे में घूम रहे हैं, उनका ऐसा कोई डाउट है तो वो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि उनकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में उनको मिल सके। तो टाइम को बर्बाद किए बिना चलते हैं मेन पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि SYC, SYCT, SYCP और AB स्टूडेंट हैं, वो ऑन डिमांड एग्जाम में अप्लाई करें या फिर पब्लिक एग्जाम में, उन दोनों में से उनके लिए कौन सा एग्जाम बेस्ट है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने पब्लिक एग्जाम में अपना पेपर दिया हुआ है, यानी कि आप NOS बोर्ड के एग्जिस्टिंग लर्नर हो, तो वहां पे आपने अपनी TMA को भी अपलोड किया होगा, आपके TMA के मार्क्स वहां पे शो हो रहे होंगे जब आपने अपना रिजल्ट चेक किया था। तो आप यदि आपको रिजल्ट की कोई जल्दी नहीं है, मींस कि आपने कहीं पे भी एडमिशन नहीं लेनी है या आगे अपने कैरियर में कहीं भी आपको अभी अपने सर्टिफिकेट की जरूरत जल्दी नहीं है, तो आप पब्लिक एग्जाम में ही अपनी एग्जाम फीस को पे करें और वहां पे अपना एग्जाम दें, क्योंकि पब्लिक एग्जाम फीस में आपका एग्जाम अक्टूबर मंथ में होगा, अभी आपकी एग्जाम फीस पे हो रही है, उसकी जो विदाउट लेट फीस लास्ट डेट है वो कितनी है, 11 जुलाई। तो अभी टाइम है आपके पास, तो आपने क्या करना है, NOS बोर्ड के एग्जाम फीस पोर्टल पे जाना है और अपनी एग्जाम फीस को पे करना है। कैसे पे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपने सबसे पहले ये वाले वेब पोर्टल पे जाना है जो आपके सामने खुला हुआ है, sdms.ns.ac.in, वहां पे आपने कहां पे जाना है, एग्जाम एंड रिजल्ट पे जाना है, और उसके बाद एग्जामिनेशन पे जाना है, उसके बाद पे एग्जाम फीस पे आपने जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जहां पे लेट फीस भी आपको दिखाई गई है कि लेट फीस के साथ डेट्स कौन कौन सी हैं और लास्ट डेट कौन सी है और आपकी एग्जाम फीस कितनी लगनी है। तो यहाँ नीचे आपने इसको क्लिक करके और प्रोसीड पे क्लिक कर देना, करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस खुलेगा वहां पे आपने अपना रोल नंबर फिल करना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी, वहां पे जो सब्जेक्ट आपने री एग्जाम करना है उसको सिलेक्ट करें और अपनी पेमेंट कर दें, और उसकी रिसिप्ट भी जरूर निकाल लें। रिसिप्ट निकालने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है कि ऐसे एग्जाम फीस पे करनी है, उसके लिए भी बनाई हुई है, आप वो देख के, यदि आपको नहीं करनी आती तो वो देख के अपनी एग्जाम फीस घर बैठे ही पे कर सकते हैं और अपनी रिसिप्ट भी ऑनलाइन निकाल सकते हैं, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया पॉइंट, यदि आपका रिजल्ट SYC, SYCT, SYCP और AB है या ऐसा कुछ है, तो आपने कब एग्जाम देना है और कौन स्ट्रीम में आपने एग्जाम देना, मींस कि आप पब्लिक एग्जाम में जाओगे या ऑन डिमांड में, उनके लिए बेटर है यदि आपको टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप ऑन डिमांड में नहीं जाओगे, पब्लिक एग्जाम में जाओगे। उसका क्या कारण है ये भी मैं आपको बता देता हूं, कि आपके TMA के जो मार्क्स है वो लगे हुए हैं,
और अब आपको जो पब्लिक एग्जाम में सिलेबस आता है वो कितने परसेंट आता है? 60%। उसमें टीएमए का सिलेबस नहीं आता, मीन्स 60% सिलेबस आता है, 40% नहीं आता। तो आपने पहले जो तैयारी की थी वो 60% की थी, अभी आपको जो पब्लिक एग्जाम में सिलेबस आएगा वो 60% आएगा, सेम सिलेबस वही आएगा जो अभी आपने एग्जाम दिया है, वैसा ही पेपर आपको आना है, ठीक है। तो जो ऑन डिमांड एग्जाम होते हैं वहां पे आपको जो सिलेबस आएगा वो 100% आएगा, 60 की बजाय 100। तो आपको टीएमए वाला सिलेबस भी सारा स्टडी करना होगा और फिर आप अपना एग्जाम दे सकते हो। यदि आपको जल्दी पास आउट होना है या आपको सर्टिफिकेट चाहिए फर्दर, कहीं पे भी आपने एडमिशन ले रखी है या लेनी है, तो उसके लिए आप ऑन डिमांड में जा सकते हो। वहां पे आपको 100% सिलेबस की तैयारी करनी होगी और 100 में से आपको मार्क्स गेन करने होंगे। तो ये बात आपके ध्यान में रखें, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। उसके बाद सेकेंड डिफरेंस है कि सेकेंड डिफरेंस क्या है कि आपकी फीस का, जो ऑन डिमांड में फीस जो है ज्यादा होती है और पब्लिक एग्जाम में फीस जो कम होती है। फीस की डिटेल के बारे में हमने भी वीडियो बनाई हुई है डिटेल से, वो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, वो देख सकते हो और फीस के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। डबल होती है ऑलमोस्ट ऑन डिमांड में, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, यदि मैंने आपको बताया कि यदि आपको जल्दी है तो आपका जो ऑन डिमांड का एग्जाम होगा जुलाई में हो सकता है या अगस्त में हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सी डेट को चूज करना है। तो उसके तकरीबन 45 डेज बाद आपका रिजल्ट आएगा, मीन्स अक्टूबर में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो डीएमसी आने में फेथ द्वारा तकरीबन 30 से 60 डेज लग जाते हैं। तो पब्लिक एग्जाम में आपका जो एग्जाम होगा वो अक्टूबर नवंबर में होगा, आपका रिजल्ट कहाँ पे आएगा? दिसंबर मंथ में आएगा। तो उसके बाद आपका जो डीएमसी आएगा वो तकरीबन फेब मंथ में आना है। तो ये था डिफरेंस आपका ऑन डिमांड का और पब्लिक एग्जाम के लिए। तो जो स्टूडेंट एस वाई सी टी जो एबसेंट है, जिनका रिजल्ट है, तो मेरी तो यही सुजेशन है कि यदि आपके पास टाइम है तो आप पब्लिक एग्जाम में जाएं, वहां पे आपकी पास परसेंटेज है जो वो इंक्रीज हो सकती है। जो पब्लिक एग्जाम का जो पेपर होता है वो थोड़ा इजी होता है, जो ऑन डिमांड का एग्जाम होता है वो टफ होता है थोड़ा, तो वहां पे आपके मार्क्स जो है कम आ सकते हैं पब्लिक एग्जाम के बजाय, तो वहां पे आपकी परसेंटेज भी कम हो सकती है। ये भी एक रीजन है, मैंने आपको चार रीजन बता दिए। एक तो सबसे पहले यदि टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सबसे पहला रीजन था कि आपकी जो एग्जाम फीस है वो ज्यादा होगी, उसके बाद पेपर टफ आएगा, सिलेबस जो है 100% आएगा, ठीक है। ये तीन चार रीजन है आपके, आपको डिसाइड करना है कि आपने कहाँ पे जाना है। पर यदि मेरा डिसीजन आप मांगोगे कि मैं क्या चाहता हूं, तो आप पब्लिक एग्जाम में ही जाएं। तो उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है आपका डाउट जो है कि जैसे मैंने आपको पब्लिक एग्जाम का तो बता दिया वहां पे कि आपने कहाँ पे जाके अपनी एग्जाम फीस को पे करना है, और अगला पॉइंट क्या है, कुछ स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो SYC, SYCT, SYCP AB या SF, UFM या RL होता है, ठीक है। UFM का अनफेयर मींस RL का रिजल्ट लेट, ठीक है। ऐसे जो इनके अलग अलग जो है इनकी डेफिनेशंस हैं। तो उसके बारे में क्या करें, यदि आपका रिजल्ट आपको शो नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, तो आपने क्या करना है, NOS बोर्ड को एक मेल करनी है या हेड ऑफिस में कॉल करनी है, कौन से नंबर पे, 1800 1809393 पे कॉल करनी है। तो वहां पे अपना रोल नंबर बता के अपने रिजल्ट का जो स्टेटस है वो फाइंड करना है, तो वो आपको बता देंगे। यदि वो फोन आपका नहीं उठाते तो आपने उनको मेल करनी है, मेल आईडी आपको एनएस बोर्ड की वेबसाइट से मिल जाएगा, जहां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेल आईडी प्रोवाइड करवा देंगे, कौन सी मेल आईडी पे आपने मेल करनी है। तो अब बात आ जाती है कि आपने एग्जाम देना है तो उसकी तैयारी कैसे करें, कि जो SYC, SYCT, SYCP जो AB स्टूडेंट हैं उनके पास होने का गुरुमंत्र क्या है और आपने कैसे तैयारी करनी है कि आपका रिजल्ट पास ही आए, और पास होने का आसान तरीका, जहां आपका रिजल्ट जो क्रॉस 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 चार बार क्रॉस लगे हुए हैं वहां पे पास ही लिखा हुआ आए। तो और एक और फॉलो कौन सा रूल करना है आपने, 80-20 रूल, वो क्या होता है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास बुक्स भी होंगी, आपने यदि तैयारी की है बुक्स से तो वहां पे आपने नोट्स भी बनाए होंगे,
यदि कहीं पे जाके ट्यूशन लिया तो वहां पे भी जाके आपने उसके नोट्स डिक्टेट किए होंगे, तो पहले आपने कहीं ना कहीं तैयारी की होगी, कुछ तैयारी आपकी पहले से है। तो आपने अब क्या करना है, आपने जाना है इस वेबसाइट पे। मैं आपको बता दूं कौन सी वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले जैसे जेएसआर स्टूडेंट का हमने ओपन किया हुआ है, देखो जहां पे क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है, इसके टीएमए के मार्क्स लगे हुए हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि टीएमए के मार्क्स लगे हुए हैं, इन्होंने पब्लिक एग्जाम में अपना एग्जाम देना है और इसके प्रैक्टिकल और टीएमए के ऐड होके इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। तो जहां पे जैसे मैंने आपको बताया SYCT या SYCP या AB स्टूडेंट क्या करें, या SF, उसके बाद SF की जो फुल फॉर्म होती है शॉर्ट फीस पेंडिंग, मान लो किसी वजह करके आपकी फीस शॉर्ट है, या UFM अनफेयर मींस केस है, तो आपने क्या करना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि मेल करनी है या कॉन्टेक्ट करना है। तो अब क्या करना है, आपने वेबसाइट पे जाना है NOS की, वहां पे आपने प्रीवियस ईयर के इस वेबसाइट पे आपने जाने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा, क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर, जिस सबसे पावरफुल फंडा है पास होने का। जैसे आपने अभी एग्जाम दिए हैं तो इसके क्वेश्चन पेपर आपके पास होंगे, तो उसके अलावा जो पिछले क्वेश्चन पेपर हैं जैसे अप्रैल 2023 के, जिन सब्जेक्ट का सिलेबस अभी चेंज नहीं हुआ है, उनके सब्जेक्ट के आप जो क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट से। तो आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है, ये कहाँ पे आपको लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो NOS बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने उठाया हुआ है, आप भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है, आपको मिल जाएगा। जहां से आपने, यदि आपकी 10th क्लास है तो 10th क्लास के क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड कर लेने हैं, और जो भी आपका सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड करना है। यदि +2 है तो +2 का कर लेना है, ठीक है ना। तकरीबन 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर दो दो होंगे, अक्टूबर का अलग है अप्रैल का अलग, तो वो आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। वो क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं आपने सिलेबस जरूर चेक कर लेना कि आपका सिलेबस उस सब्जेक्ट का चेंज तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो यदि नहीं चेंज हुआ है तो आपने उसके जो पेपर है डाउनलोड करके वहां से क्वेश्चन सारे याद कर लेने हैं, चाहे वो 1-1 मार्क्स के हैं, चाहे वो 3 मार्क्स के हैं, चाहे वो 5 मार्क्स के हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग मार्क्स हो सकते हैं। तो वो आपने क्वेश्चन की एक लिस्ट तैयार कर लेनी है, वो क्वेश्चन आपने क्या करनी है उसकी तैयारी करनी है। और मैंने जो आपको बताया था अभी 80-20 रूल्स, 80-20 रूल्स क्या है, ये 80-20 रूल्स वो रूल्स है जो आपको कम सिलेबस को कवर करके ज्यादा मार्क्स लेने में आपकी हेल्प करेगा। मीन्स कि आपने 20% सिलेबस की तैयारी करनी है और 80% मार्क्स गेन करनी है, ये होता है 80-20 रूल, यदि आप इसको फॉलो करोगे। इसको फॉलो करने के लिए एक फंडा मैंने आपको बता दिया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का। आपने क्या करना है, जहां पे भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, या आपने बड़े भाई बहन की हेल्प लेनी है, या आपने किसी टीचर की हेल्प लेनी है, तो वहां पे आपने ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं जो पिछले एग्जामों में आए हैं, जैसे जहां से उठा लेने हैं, और आपकी जो बुक है वहां से भी आपने उठा लेने जो आपको लग रहे हैं कि आ सकते हैं। आपको शायद ना पता हो, पर आपके बड़े भाई बहन को यदि नॉलेज है तो उसको जरूर पता होगा। तो वो लिस्ट आपने एक बनानी है सिलेबस के 20% की टोटल, ठीक है। तो उसको आपने स्टडी करना है, तो उसमें से आपको 80% मार्क्स आपके आ सकते हैं यदि आप अच्छे से तैयारी करोगे। और उसके बाद एक और मेथड है कि यदि आपके पास बुक्स हैं, और देखो टेक्स्ट बुक्स हैं, आपको नहीं पता कि सिलेबस आपका बदल गया है, तो आपके पास हेल्पिंग बुक्स भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा एक ऑफर चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं कि जहां पे आप neerajbooks.com पे जाके नीरज पब्लिकेशन की जो हेल्पिंग बुक्स परचेज कर सकते हो। ये आपके सामने एक बैनर दिखाई दे रहा है जहां पे 50% डिस्काउंट पहले ही नीरज बुक्स ने लगा रखा है, और उसके बाद यदि आप एनुअल स्टडी का कूपन कोड यूज करोगे तो 5% का डिस्काउंट और आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके दो सब्जेक्ट की आपको हेल्पिंग बुक्स चाहिए, तो तकरीबन एक हेल्पिंग बुक्स की जो मार्केट प्राइस मीन्स MRP है, तो वहां पे क्या होगा, तकरीबन 400 या 450 होगा, तो 450 डबल कर लो 900 हो गया, तो आपको प्रैक्टिकल की कॉपी भी एक दो चाहिए होगी, तो आपका MRP 1000 से अब हो जाएगा। तो वहां पे आपको 50% डिस्काउंट पहले मिलेगा, मीन्स 1000 से अब हो गया, मान लो 1100 या 1200 हो गया, 500 या 600 की बुक्स बनी। उसके बाद एनवेस का कूपन कोड डालो, एनवेस का कूपन कोड डालने के बाद 5% उस पर कम हो गया,
मीन्स यदि 600 रुपया दे रहे हो तो 5% उससे कम हो गया, मीन्स 30 रुपये और कम हो गया, तो आपका 10% और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 1000 से ऊपर की परचेज कर रहे हो, तो 600 मान लो आप दे रहे हो तो उससे 60 रुपीज और कम हो जाएंगे, तो आपका नियर अबाउट 500 लगेगा, और जो इसके कोरियर चार्जेस हैं वो अलग से लगेंगे। ऐसे आप हेल्पिंग बुक्स मंगवा सकते हो, उसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहले आपके तकरीबन बुक्स जो मिलेगी आपको 35 या 40% डिस्काउंट पे मिल रही हैं, उसके बाद टोटल दिन की आपको सिर्फ 30 या 40% पे करना होगा, बाकी डिस्काउंट पे मिल रही हैं, और आपको जो बुक्स मिलेगी वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगी, और उसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सिंपल पेपर वो सॉल्व किए होंगे, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, उसमें से क्वेश्चन के आंसर को जज करके डायरेक्टली एग्जाम देने जा सकते हो, वहां से आपके मार्क्स की परसेंटेज जो है इंक्रीज हो सकती है। मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी वेबसाइट पे जाना है और कैसे आपने बुक्स को परचेज करना है। सबसे पहले आपने जाना है जहां पे neerajbooks.com की वेबसाइट पे, जहां पे आपके सामने ऐसा पोर्टल ओपन होगा। यदि आपने बुक्स परचेज करनी है, जहां पे आपको रजिस्टर करना होगा, सबसे पहले अपने आप को जहां पे आपने रजिस्टर पे जाके क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जहां पे आपका जो एड्रेस है, ईमेल आईडी या पासवर्ड वो मांगेगा। न्यू यूजर के लिए हमने कंटिन्यू कर दिया, और कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैटेगरी कौन सी है, 10th या प्लस, ठीक है ना, वो आप जहां पे आप भर दोगे, जैसे एनओएस है तो एनओएस हो गया, उसके बाद क्लास कौन सी है, 10th है या 12th है, ठीक है, उसके बाद आपका जो पासवर्ड आपने रखना है वो रख सकते हो, एड्रेस, ठीक है, ये जानकारी आपसे मांगेगा, और आपका आप इसको रजिस्टर कर दोगे। रजिस्टर करने के बाद आप इसको लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन करने के बाद आपने एनओएस पे जाना है, इसका जो लिंक है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुलेगा जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। यदि आप 10th क्लास के हो तो 10th क्लास पे आपने क्लिक करना है। 10th क्लास पे क्लिक करने के बाद आपको फुल कोर्स रेफरेंस गाइड चाहिए तो आपने लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है, यदि प्रैक्टिकल चाहिए तो राइट साइड पे क्लिक करना है। जैसे मान लो आपको हिंदी की बुक्स चाहिए, अब हिंदी की जो बुक्स है वो आपके सामने ये देखो कितने की है, 380 की है, जो उसका जो एमआरपी है, तो उसके नीचे जो डिस्काउंट डाल के है वो 190 के, जहां पे आपने बुक का प्रीव्यू देखना है तो नीचे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे लिखा हुआ है चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स इंक्लूडिंग मेनी सॉल्व क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो आपके सामने ये सारा कुछ लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो उसमें आपको मिलेगा। तो आपके सामने ये देखो 50% तो पहले डिस्काउंट है जैसे मैंने आपको बताया, तो आप मैक्सिमम 65% डिस्काउंट जो है गेन कर सकते हो। तो ऐसे आपने ये बुक्स को ऑर्डर करके आपके घर में तकरीबन 1 हफ्ते में आ जाएंगी, तो आपने वो कैश ऑन डिलीवरी करनी है, तो पैसे बाद में देने हैं, ठीक है, तो आप ऐसे हेल्पिंग बुक्स को मंगवा सकते हो और अपने पेपर की तैयारी को शुरू कर सकते हो, और अपने रिजल्ट को क्रॉस की जगह पे पास में चेंज कर सकते हो। ये बहुत बेस्ट आइडिया है जो मैंने आपको बताए हैं, आप इसको जरूर फॉलो करो और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ये आइडिया फॉलो कर रहे हैं, और जब आपका रिजल्ट आए तब भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स जो परसेंट है मार्क्स आए हैं। तो उसके बाद हमारी बहुत सारी सर्विसेज ऐसी चल रही हैं, जैसे अभी स्टूडेंट की एग्जाम फीस पे हो रही है, एग्जाम फीस पे होने की लास्ट डेट 11 जुलाई है विदाउट लेट फीस, जैसे मैंने आपको बताया। तो यदि आप एग्जाम फीस नहीं पे कर पा रहे, इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप घर बैठे एग्जाम फीस कैसे पे करें, तो वो देखिए आप एग्जाम फीस पे कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी एग्जाम फीस पे करनी नहीं आती तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपनी जो एग्जाम फीस है उसको पे कर सकते हो। तो यदि आपने सर्विसेज लेनी है तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद ऑन डिमांड के लिए, यदि आपने ऑन डिमांड जो है स्टडी करनी है तो वहां पे आपको ऑन डिमांड एडमिशन करवानी होगी, तो उसके लिए भी हमारी सर्विस चल रही है, पर ये जो है वो ओनली फॉर एग्जिस्टिंग लर्नर के लिए है, तो आपने एग्जिस्टिंग लर्नर है तो आप ये सर्विस परचेज कर सकते हो। हमने एक और सर्विस शुरू की हुई है, कौन सी सर्विस है वो मैं आपको बता देता हूं, ये अभी अभी शुरू की है हमने, कल ही लॉन्च किया है, कि इसमें क्या है कि यदि आपका कोई भी डाउट है, जहां पे डाउट क्लियरेंस ऑफर लगाया हमने, कोई भी डाउट है जैसे एडमिशन नॉट कंफर्म, मीन आपकी एडमिशन कंफर्म नहीं हो रही, जहां टीओसी मार्क्स जो है नॉट एटेड, जहां रिजल्ट प्रॉब्लम है कोई, सब्जेक्ट नॉट एटेड, टीएमए नॉट अपलोडेड,
ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है स्टूडेंट की, तो यदि आप उसका सलूशन चाहते हैं तो आप हमें इसी कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, और आपको सिर्फ पेमेंट देनी होगी 29 मीन्स 29 की पेमेंट देनी होगी। उसके लिए हम आपको क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, आपने वो पेमेंट देनी है, आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन बताया जाएगा। ये सर्विस ओनली वन टाइम पेमेंट के लिए सर्विस है, एक बार आपने पेमेंट देनी है, और इसकी वैलिडिटी सिर्फ एक बार की है मीन्स एक दिन 24 आवर के लिए है। तो आप इस सर्विस का बहुत सारा जो है बेनिफिट उठा सकते हो यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अपने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये बात शेयर करें कि 29 की जो सर्विस है, 29 रुपीज कुछ नहीं होते, कि यदि आप 29 रुपीज दे के अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाए, तो इतना बड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमने ये बेनिफिट के लिए ये सर्विस शुरू की है। ये सर्विस की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, 31 जुलाई तक ये जो सर्विस है ऑन रहेगी, उसके बाद ये सर्विस क्लोज कर दी जाएगी। ठीक है, यदि आप इस सर्विस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले इस नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट करें। और यदि आपने 10th या 12th में एडमिशन करवानी है तो हमारा एडमिशन पोर्टल जो है ओपन रहता है, तो आप एडमिशन ऑनलाइन करवाने के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो को एक शेयर और एक लाइक जरूर करें, एक शेयर का मतलब है एक स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें, और इसी इंफॉर्मेशन आपको दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और उन स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो स्टूडेंट को इन की रिक्वायरमेंट है, जो उनके डाउट, जिन स्टूडेंट के जो डाउट है इसमें हमने बताए हैं। फिर भी कोई डाउट ऐसा रह गया जो इसमें शेयर नहीं किया गया, जहां उसका सोल्यूशन नहीं बताया गया हो, तो आप दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दें हमें।